इन दिनों बागेश्वर धाम की चर्चाएं पूरे देश में हैं। भक्त में मन में बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति की मनोकामना लेकर यहां मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि पिछले कुछ महीनों से यहां से लगातार लोग गायब हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक बागेश्वर धाम से 21 लोगों की गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। दरअसल लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, जिसमें मंगलवार और शनिवार को भक्तों की अधिक भीड़ होती है, जिसकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है। ऐसे में बागेश्वर धाम से कई लोग अपनों को भी खोते जा रहे हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बदले लोगों को खोने का गम भक्तों में है। बात यह है कि पिछले 4 महीनों में बागेश्वर धाम से एक के बाद एक लोग गायब हो रहे हैं, जिनमें से कुछ की तो तलाश की जा चुकी है, लेकिन कुछ के परिजन आज भी अपनों के आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बागेश्वर धाम से गायब होने वाले लोगों में कई तो मानसिक बीमार हैं और कई ऐसे हैं जो भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से अपने परिवार वालों से बिछड़ गए हैं, जिनका कोई भी पता नहीं लगाया गया। अपने बिछड़े और गुमशुदा लोगों की तलाश में देश के दूसरे राज्य के रहने वाले तमाम लोग थाने और धाम के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2023 से अब तक बागेश्वर धाम से 21 लोग गायब हुए हैं। इनमें से 9 लोगों का तो पता चल चुका है, मगर 12 लोग अभी भी गुमशुदा बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उन तक नहीं पहुँच पा रही है।